अवतार तो इनका हुआ है भूभार हरने के लिए, उद्धार करने के लिए संतों का पथोबार रखने के लिए। और सांप लिख दिया तुलसीदास जी ने, जब जब हो ये कब आते हैं, जब कथा भागवत बलराम भैया ज्यादा हो तब ये नहीं आते, ये कि ज्यादा कराओ तब ये नहीं आते। कुलदीप भैया जी कब आते हैं, जब पाप बढ़े पापी बढ़े। जब जब हो ये धर्म कहे हाँ प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निज सज्जनीरा, हरे कृपा निज है, तब मुझे अवतार लेकर आना पड़ता है। कथा भागवत ज्यादा होती रहे हम नहीं आएंगे, यही तो अर्थ हुआ। ज्यादा यज्ञशाला बने, ज्यादा मंदिर बने, हमें जाने की जरूरत ही क्या है। जब जब हमारे भक्तों को सताया जाता है तब तब मैं जाता हूं भक्तों की लाज बचाने के लिए। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि ना निसीचर पापी। बिना भगवान के जे मरेंगे नहीं तो बेई गाध जी के पुत्र विश्वामित्र जी, जो भगवान राम को यज्ञ रक्षा के लिए बुलाकर लेकर आए थे, और वास्तव में महात्माओं के बराबर भक्ति शक्ति कहीं देखने को नहीं मिलेगी। देखो समझे हम आप, संतों के बराबर भक्ति शक्ति देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा अपने गदनपुर में भी भक्ति और शक्ति दोनों है। अच्छा जब बताओ भक्ति ना हो और भक्ति के संग शक्ति भी ना हो, कहे महंगाई में कथा कराना क्या सरल है। भक्ति भी हो और संग में धन रूपी शक्ति भी हो तब ही तुझे कथा हो पाएगी। तो यहाँ भक्ति भी है और शक्ति भी है, लेकिन कथा सुनने जो 3 बजे से पहले निकलता ही नहीं। देखो अभी जो 2:30-3 बजे सोई पांडाल खोल जेऊ जा देखत रात की, बस घंटे ही 1.5 घंटा बैठा हूं पर बस। भक्ति शक्ति बहुत है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और संतों में भक्ति भी है शक्ति भी है, और तीसरी चीज एक और संतों के पास होती है, वो क्या है, वो है मस्ती। महात्मा वही सफल है जो मस्त रहेगा। देखो गृहस्थी में तो 1000 चिंताएं होती हैं, 1000 चिंताएं, लेकिन महात्माओं को जो आ जाए बोले जारो फूको भगवान फिर देगा। मस्ती में जो महात्मा बना रहे उसी का नाम होता रहता है, और जो बचाए बचाए धरे रहे बोले महात्मा बड़ो खरा,
ये क्या है? मस्त जो महात्मा बना रहे, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले। देखो मस्त जो बना रहे, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले। सियाराम कह दिया है, सियाराम कह दिया देने वाले से, लेकिन अगर खुद सतर्क बने रहे तभी काम बनेगा। नबे चाबी फेंक दे तुम सोचो अच्छी महस्ती मिल गई। वो चाहे जैसा मौका आएंगे नहीं धोखा, वो चाहे जैसा मौका आएंगे नहीं धोखा। पाया है हम मस्त रहो और व्यस्त रहो। भगवान के भजन में हम आप लगे रहे। देखो वयोवृद्ध बड़े बूढ़े कथा में बैठे, हमारी जवानी युवावस्था कैसी भी बीती हो, लेकिन जब बुढ़ापा पड़ने लगे तो कम से कम भगवान की तरफ नेक तो पूजा में लगो। लेकिन बाजी बाजी मत मर गए, लेकिन जो सुधरे डॉक्टर साहब कहते ही ना है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं कि हमें मरना भी पड़ेगा। और भागवत कथा में सुखदेव जी ने परीक्षित को यही इस संवाद में समझाया कि जिसे जीवन में अपनी मृत्यु याद बनी रहे, जिसे अपनी मौत याद बनी रहे, वो कभी पाप की तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो विचार करे कि हमें मरना भी है, अपने द्वारा किए गए कृत कर्म को वहां जाकर भोगना भी है,
जब वहां यमदूत मारे मारे डंडा के, तब कहते अब ऐसा नहीं करेंगे, काहे अब मरो। ये क्या है? ये हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल है। रामचरितमानस यही सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। रामायण सुर तरु के छाया, और दुख भय दूर निकट जो पाया। रामायण सुर तरु के छाया, दुख भय दूर निकट जो पाया। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल दाता। जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना ही पड़ेगा। वृंदावन के एक संत गाया करते थे, एक बार नहीं मिलता है सौ बार मिलता है। इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल एक बार नहीं, हजारों बार भोगना पड़ता है। एक बार नहीं मिलता है सौ बार मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अब देखो ये ना सोचना कि हम कथावाचक हैं, हमें नहीं भोगना पड़ेगा। उनके यहां कोई नहीं पूछता है कि पंडित जी है कि कौन है, वहां सब बराबर एक ही भाव एक ही तौल तौले जाएंगे। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक बार नहीं मिलता है सौ बार मिलता है। पूजता है एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है। पत्थर को काट कर छांट कर मूर्ति बना दी किसी कारीगर ने, भगवान के समान उसकी पूजा हम भगवान मानते कि नहीं। एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है। पत्थर को है जो सड़कों पे कूदता है। एक पत्थर को है सड़कों पे कूदता है। खाने दोनों की एक है, खाने दोनों की एक ही खान से पत्थर निकल कर आ रहे, लेकिन खाने दोनों की एक है, बस अंतर इतना है। खाने Yeah।
बोलिए बांके बिहारी लाल की। कर्मों को भोग, कर्म का भोग प्रत्येक जीव को भोगना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा गोकुल वृंदावन ब्रजधाम में, और इधर कंस ने जो सुना कि देवकी की आठवीं संतान ने जन्म लिया है, आहा, जो मारने के लिए परिचित महाराज संदीप भैया, वाह भाई बोलिए यज्ञ भगवान की। जेऊ जब कपड़ा पहन के आज जा लगा दूसरे कथा वाचक आइए। काल डिराही जिसके डर से काल भयभीत हो जाए, अपर जीव के ही ले के माही। देवकी रोने लगी, हे भैया कंस, ये बिचारी कन्या है, ये अबला नारी आपको क्या मार पाएगी, आप इतने बलवान, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े योद्धा, बलवान वीर सब तुम्हारे चरणों की सेवा करते हैं, और जब छोटी सी कन्या बड़ी भी हो जाए तो ये अबला नारी आपको क्या मार पाएगी। कंस ने मन में विचार किया, बात तो ठीक है कि ये असहाय अबला हमें क्या मारेगी, लेकिन ये भी देवताओं का कोई छल तो नहीं है, कई देवता कोई कपट तो नहीं कर रहे हमारे सर। हो सकता है देवताओं ने मन में विचार किया हो कि पुत्र को यदि भेजूंगा, पुरुष को भेजूंगा, तो ये कंस जीवित छोड़ेगा नहीं, और अब की बात कन्या में भेज दूं, और कंस का संकल्प है कि जीवन भर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा स्त्री पर। जब ये कन्या बड़ी होगी, इसका विवाह जिस पुरुष के संग होगा उसी के द्वारा कंस का वध मैं करवा दूंगा। जब ये कन्या मैं छोड़ूंगा ही नहीं तो बड़ी कैसे होगी, और बड़ी नहीं होगी तो विवाह नहीं होगा, तो मैं तो अमर ही हो जाऊंगा, और एक बार यदि अपना संकल्प तोड़ने के कारण मैं अमर हुआ जाता हूं तो ऐसा संकल्प मैं हजार बार तोड़ने को तैयार हूं। देवकी रोती रही और कंस ने उस कन्या के पैर पकड़कर झपट कर गोद से छीन लिया, और जो शिला पर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, एकदम वो कन्या हाथ से छूट गई। भागवत जी में दो श्लोक स्तुति के उस कन्या के दिए हैं, और दोनों श्लोकों के आधे आधे खंड को बोल रहा हूं मैं, और दोनों श्लोकों के खंड में माता दुर्गा के कई रूप बता दिए। दुर्गे ती भद्रकाली ती विजया वैष्णवी ती चार कुमुदा चंडिका कृष्णा शारदे अंबके ती चार। हम आप कह देते हैं कि कैला मैया अलग है, पूर्णागिरी दूसरी है, कलकत्ते में काली माई दूसरी है, जम्मू सीमा पर वैष्णो देवी अलग है, लेकिन एक श्लोक के इन खंडों को देखें, जब कंस के हाथ से वो कन्या छूटी तो एकदम कंस को दिखाई पड़ा कन्या आकाश की तरफ जा रही है, और उस कन्या ने अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया, और यहां पर कई नामों के द्वारा उनको प्रणाम किया गया। दुर्गे देखो समझना, हम आप ही दुर्गा हो, भद्रकाली थी आप ही भद्रकाली हो, विजया आप ही विजया हो, वैष्णवी आप ही वैष्णवी हो, कृष्णा आप ही कृष्णा हो, सारदे देखो आप लोग बड़े मन से सुन रहे हो, आप ही सारदे मैया हो, अंबके तिचा च कहते और को, और आप ही अंबे मैया हो। बताओ एक ही श्लोक में कितने रूप, ये तो वही भाव हो गया, तेरे रूप अनेक
तू एक ही है, अंतर नहीं है। वही सती है, वही पार्वती है, वही दुर्गा है, वही भद्रकाली है, वही विजया है, वही वैष्णवी है, वही शारदा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मुख चंद चकोरी, हमें क्षमा कर दो। मैया दुर्गा मुस्कुराकर बोली, तू मुझे मारना चाहता, पहले तो तू मुझे मार नहीं पाएगा, और यदि तू मुझे मार भी दे तो मुझे मारकर तेरी समस्या का समाधान होगा नहीं, क्योंकि तुझे मारने वाला इस संसार में अवतार ले चुका है। जो कंस ने इतना सुना तो कांपने लगा, मैया मैया मुझे क्षमा कर। मैया बोली, अब तुझे तो मरना ही है, और मुस्कुराते हुए माता दुर्गा अंतर्धान हो गई। बोलिए दुर्गे माता की, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो। दुर्गा सप्तती में लिखा है, सब व्याधियों का विनाश करने वाली माता दुर्गा है। बड़े से बड़ी विपत्ति जीवन में हो, बड़े से बड़ा संकट हो, यदि इस दुर्गा सप्तती के श्लोक का मंत्र का जाप किया जाए तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है, अघटित घटना नहीं होती है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्विता, मनुष्योत्मत् प्रसादेन भविष्यति नः संशया। आप व्याधियों को मुक्त करने वाली है, धन धान्य को बढ़ाने वाली है, ऐसी मैया दुर्गा को कोटि सब बार प्रणाम है। कंस को अब वैराग्य हो गया, और कैसा वैराग्य? क्षणिक वैराग्य, जो कभी कभी हमें आपको भी हो जाता ऐसा वैराग्य। वो कल ही मैंने कहा था, जहां चार छह लोग इकट्ठे हो फिर देखो बातें, भैया कुछ है थोड़े ही संसार में, एक दिन सब छूट जाएगा, बेकार ही में हम तो मरे जा रहे। लेकिन जब बताओ ये वैराग्य कहीं टिकाऊ रह पाया? अरे बोले महाराज, जब मोह माया कैसे छूटे? अरे जब मोह माया से बड़े बड़े बैरागी दूर ना हो पाए तो हम तुम क्या चीज हो। 18 पुराण जिन वेद व्यास जी ने लिखे, उन्होंने भी जब देखा कि पुत्र सुखदेव घर छोड़ के जा रहा है तो वेद व्यास पीछे पीछे दौड़े, लला कहां जात, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। तो जब बेई मोह माया से ना छूट पाए तो हम तुम कैसे छूटोगे। अच्छा दूसरी बात, अगर मोह माया ही सबकी छूट जाए, देखो बड़ी गहराई में समझना, और मोह माया छूटने का मतलब कि हम महात्मा हो गए, हम साधु हो गए, और जब संसार में सब अगर साधु ही हो जाएंगे, सब बाबई बैरागी हो जाएं, खेती पाती सब छोड़ दे, तो जब बताओ खाओ का,
विचार करो, सब महात्मा हो जाए। अच्छा, गदनपुर में आप लोग हर साल भागवत कराते हो, बड़ा बड़ा सहयोग लोग करते हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1,000, कोई 500, अपने अपने श्रद्धा से। और अगर सब बाबई बैरागी हो जाए संदीप भैया, तो जब बताओ सहयोग को करे है, फिर तो जब जग किनारे पे धरीगा। क्योंकि धर्म में भी धन की आवश्यकता है। देखो बहुत बड़ी बात है कुलदीप, बहुत बड़ी बात। इसलिए संत बनना सरल है, गृहस्थ बनना बड़ा कठिन है। संत डोंगरे जी महाराज भागवत कथा में एक दिन उन्होंने कह दिया, संसार में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो है गृहस्थ धर्म। बड़े बड़े सन्यासी कथा में बैठे थे, सबके मुंह लटक गए। बड़े बड़े शंकराचार्य लाल पीले कपड़ा रंगे बैठे, इधर डोंगरे जी आरती कराकर अपने कमरे में पहुंचे जहां ठहरे थे। बड़े बड़े बाबा, कोई घुटे मूंड, कोई बड़ी दाढ़ी, रंग बिरंगे सब पहुंचे। डोंगरे जी बोले, आओ महाराज, स्वागत है आपका। बोले, महाराज हम स्वागत करवाने नहीं आए, आपने आज हमारा बड़ा विरोध कर दिया। हम कोई ब्रह्मचारी बने बैठे, कोई सन्यासी बने बैठे, कोई वानप्रस्थी बने बैठे, और आपने सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म बता दिया। क्या सन्यास धर्म छोटा हो गया? क्या ब्रह्मचर्य धर्म छोटा रह गया? डोंगरे जी बोले, बैठो, आपके प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। देखो बड़े सरल संत थे डोंगरे जी महाराज, वृद्ध मूर्ति, बड़े बूढ़े। बोले, नहीं महाराज, पहले प्रश्न का उत्तर दो। डोंगरे जी हंसकर एक ही वचन बोले, हमें केवल इतना बता दो, आप सब चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, आप सबका जन्म कौन से धर्म से हुआ है? सोई सब शांत हो गए। यदि आपके माता पिता ने गृहस्थ धर्म ना अपनाया होता तो आपका जन्म नहीं होता, और जन्म ना होता तो ना तुम ब्रह्मचारी होते, ना सन्यासी होते, ना वानप्रस्थी होते। क्या अपने माता पिता से भी बड़े बनना चाहते हो? बोले, सो तो कैसे बन जाए महाराज। तो बोले, जब माता पिता गृहस्थ थे तो सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ। और दूसरा उत्तर, अगर गृहस्थ ना हो तो संत को पूछेगा कौन? दान कौन करेगा? बड़े बड़े कुंभ लगते हैं, हरिद्वार में कुंभ इस बार है, वृंदावन में भी तैयारी चल रही है, जमुना मैया के किनारे कुंभ वहां लगाएंगे संत लोग। लेकिन ये बड़े बड़े कुंभ व्यवस्था कौन देखता? गृहस्थ लोग। बड़े बड़े सेठ ट्रक के ट्रक भर के, बोले, चावल भिजवा दिए, दूध टैंकर का टैंकर भिजवा दिया। और बेऊ महात्मा होते तो कहां धरी खीर बता। तासे एक ही उपाय है कि भगवान के भजन में लगे रहो, तेरा राम जी करेंगे बिना पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बिना पार, उदासी मन काहे को करे। आ तेरा राम जी करेंगे बिना पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी करे करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।
डोरी सौंप दो इन्हीं के सब हाथ उदासी मन मेरे प्रभु हाथों में डोर सुलझी अब जब उलझे नहीं रक्षक नंद किशोर। कंस को क्षणिक वैराग्य हुआ जहां पर मैं बोल रहा था, ध्यान रखो, मैंने अपनी चचेरी बहन देवकी के 6 बेटे जो हमारे भांजे थे हमने मार दिए, हमारे बराबर पापी कौन होगा। देवकी के चरण पकड़ लिए, बहन हमें क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा करने योग्य है तो नहीं, लेकिन मैं क्षमा याचना मांग रहा हूं, तेरे पुत्र को मैं जीवित कर नहीं सकता, अब जो भूल हो गई उसे मैं सुधार कैसे सकता हूं। देवकी बोली, भैया बस एक ही बात मैं जानती हूं कि मेरे भाग्य में जो है वही मुझे मिला। कभी अपने भाव में गाते हैं, लिखा है मुकद्दर में वही तो मिलेगा जो भाग्य में, देखो कवियों की अपनी भाषा, लिखा है मुकद्दर में वही तो मिलेगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। हमारे जो भोग भाग में था वो हमें मिला, तुम्हारा कोई दोष नहीं है कंस, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। अब कंस ने वसुदेव जी के पैर पकड़े, मैं अभागा हूं, मेरे बराबर कौन पापी होगा जिन बहनोई के चरण धोकर चरणोदक लेना चाहिए, मैंने अपनी बहन का दान आपको दिया और तुरंत बंदी बनाकर जेल खाने में डाल दिया, आपके पुत्र मैंने मारे, मैं बड़ा अभागा हूं, इसलिए हे भैया।